हेलो एवरीवन, जी साहब ग्राफिक्स चैनल पर 3D एनिमेशन के फुल कोर्स के 8th लेसन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज के इस लेसन में हम नाइफ टूल को सीखेंगे। नाइफ टूल को सीखने के लिए सबसे पहले क्यूब को ऐड करेंगे और एस प्रेस करके उसको थोड़ा बड़ा करेंगे। टैब दबाकर एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ इस टूल को जानेंगे। यहाँ आपको एक नाइफ टूल दिखाई देगी। सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के शॉर्टकट्स जानेंगे। ए दबाकर हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसको डी सिलेक्ट करने का शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस ए, और नाइफ टूल का शॉर्टकट के है के प्रेस करके मैं नाइफ टूल को एक्टिव करूंगा। चाहे मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो या डी सिलेक्ट, मैं इसमें कट लगा सकता हूँ। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि पर्पल कलर की लाइन है। जहाँ मैं माउस को ले जा रहा हूँ वहाँ वहाँ कट लग रहे हैं। कट लगाने के बाद यहाँ पर्पल लाइन खत्म करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, अगर मैं ESC बटन दबाता हूँ तो पूरी की पूरी लाइन रिमूव हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि मैं एंटर बटन प्रेस कर दूंगा। अब K दबाकर मैं नाइफ टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ ऊपर मुझे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। Occlude Geometry, Only Selected। अगर मैं Occlude Geometry को सिलेक्ट करता हूँ और कट लगाऊंगा तो ये उसी फेस पर कट लगाएगा जिस फेस पर मुझे कट लगाने की जरूरत थी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे क्यूब में कट लग जाए तो टिक को हटा दूंगा और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। जब Occlude Geometry को टर्न ऑन करके हम कट्स लगाएंगे, जिस फेस को आपने एक्टिव किया है उस पर कट लग जाएंगे। अब अगर मैं ओनली सिलेक्टेड पर क्लिक कर दूंगा और मैं क्यूब पर कट लगाना चाहूं तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि मुझे क्यूब का कोई न कोई फेस सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं फेस को सिलेक्ट करके फिर कट लगाऊंगा। कट उसी ही फेस में लगेगा जिस फेस को मैंने सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं उसी फेस पर कट लगाना चाहूंगा जिस फेस को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, तो उस फेस पर कट अप्लाई नहीं होगा। ओनली सिलेक्टेड का मतलब ये है कि मैं उसी फेस पर कट लगा सकता हूँ जिस फेस को मैंने सिलेक्ट रखा है। और अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट कट लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं सी प्रेस करके कट लगाऊंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट कट लगेगा। ये था हमारा नाइफ टूल। तो अब सेकंड टूल को सीखते हैं, उसका नाम है बाइसेक्ट टूल। नाइफ टूल में हम रैंडमली कट्स भी लगा सकते थे। बाइसेक्ट पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट को खत्म कर देगा। बाइसेक्ट टूल को अप्लाई करने के लिए मुझे क्यूब को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं ए दबाकर सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं इसको हाफ कट करता हूँ तो जैसे ही कट लगाऊंगा तो अपने नोट किया, मेरे पास एक सर्कल जैसी लाइन और एरो यानी हैंडल भी आ गए। हैंडल को मैं मूव करके कट को ऊपर नीचे मूव भी कर सकता हूँ, और सर्कल से कट्स को रोटेट मूव कर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आपको नीचे एक विंडो भी दिखाई देगी, तो इस विंडो में मैं इस टूल की फीचर को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर मैं इस सर्कल को मूव करना चाहता हूँ तो मैं इन एक्सिस यानी XYZ एक्सिस की मदद से आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। और अगर मैं हैंडल को मूव करना चाहता हूँ तो वो भी मैं प्लेन नॉर्मल ऑप्शन से XYZ वैल्यू से मूव कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये नीचे वाला हिस्से को न काटे बल्कि ऊपर वाले हिस्से को कट करे, तो इसके लिए मैं क्लियर आउटर पर क्लिक करूंगा और ऊपर वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। फिल के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इसको फिल भी कर सकता हूँ। अगर मैं ये चाहूँ कि ऊपर और नीचे वाला हिस्सा गायब हो जाए और जिस जगह पर मैंने कट लगाया है बस वही प्लेन मेरे पास रह जाए, तो उसके लिए 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब नीचे एक्सेस थ्री होल्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब नीचे एक्सेस थ्री होल्ड वाले ऑप्शन को समझने के लिए मैं एक सिलेंडर ले लूं, थोड़ा स्केल भी करूंगा और टैब दबाकर एडिट मोड में आ जाऊंगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में बाइसेक्ट कट अप्लाई करता हूँ तो आप देख रहे हैं इसमें जो वर्टिसेस है उसके बीच में मैंने अप्लाई किया। ऊपर से वर्टिसेस को ऑन करके अगर मैं
और फिर एक्सेस थ्रेशहोल्ड की वैल्यू को अगर पीछे मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप कट को मूव कर सकते हैं। ये काम हम एक्सेस थ्रेशहोल्ड की मदद से कर सकते हैं। अगर आप वर्टिसेस के इस पॉइंट पे कट लगाना चाह रहे थे लेकिन कट थोड़ा आगे पीछे लग गए हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्सेस थ्रेशहोल्ड की मदद से हम उस जगह पे कट लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे नाइफ टूल और बाइसेक्ट टूल। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि पॉली बिल्ट क्या होता है। यू विल लाइक दिस लेसन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।